students, I am Rajesh Diyajare sir, and in this video we are going to study lesson number 2.1, that means first lesson, a clump of lilac of the second unit, presence of mind in standard 7th. So as you can see, our unit is presence of mind, that means समय सूचकता. Presence of mind का मतलब ही होता है कि जब हम कभी ऐसी condition में जाते हैं कि जब हमें कुछ क्या बोलेंगे out of the box सोचना पड़ता है, उस particular condition को फिर हम क्या बोलते हैं, उस वक्त क्या कहते हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा importance रहता है, उसे हम presence of mind कहते हैं. Presence of mind in everyday life and in the face of adversity enhances the zest for life. It makes challenges exciting and helps us to take the good and the bad in our stride. मतलब कि जब हम जिंदगी में हर दिन जब हम life जीते हैं, तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम जीवन जीते वक्त कभी कभी ऐसी परिस्थितियां ऐसी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि तब हम हमारे लाइफ में अचानक कोई चैलेंज आता है और उस चैलेंज को फेस करते वक्त हम किस तरीके से उसे फेस करते हैं, उसी को हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कह सकते हैं. हम जो समय सूचकता दिखाते हुए समय के हिसाब से हम जब काम करते हैं उस वक्त पर्टिकुलर वक्त पर, उससे हमारे लाइफ में अच्छा बुरा जो भी हो बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है. तो ये जो लेसन है जिसका नाम है यह अ क्लंप ऑफ लिलैक. तो क्लंप का मतलब तो होता है, क्लंप मींस अ ग्रुप ऑफ ट्रीज और प्लांट्स. अ ग्रुप ऑफ ट्रीज और प्लांट्स, ये जो आपको दिख रहा है तो सिक्स वर्ड ये होता है क्लंप का मतलब. मतलब कि पेड़ या फिर जो पौधे हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं क्लंप. और लिलैक जो है ये एक फूल है लिलैक, जो कि पर्पल या मतलब कि जामुनी या फिर व्हाइट मतलब कि सफेद कलर के फूल होते हैं और वो उन्हें बहुत मस्त क्या बोलेंगे सुगंध होती है, तो उसे हम बोलते हैं लिलैक. तो देखिए ये स्टोरी जो है इसके राइटर है अलेक्जेंडर इवानोविच कुप्रिन. और ये नाम आपको जैसे पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है, ये एक्चुअली ये रशियन राइटर है, रशिया के में लिखने वाले राइटर है. He was born in 1870 and he died in 1938. तो ये जो स्टोरी है ये किस बारे में देखिए, this story is about an army officer who draws a map. Green paint falls in one corner of the map by mistake. तो ये जो स्टोरी है ये स्टोरी एक्चुअली एक आर्मी ऑफिसर के बारे में है और उस आर्मी ऑफिसर का नाम है योग्राफोविच अल्मासो. क्या नाम है मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, योग्राफोविच अल्मासो. ये है कैरेक्टर का नाम जिनके बारे में स्टोरी है. और इनको शॉर्ट में, अब इतना नाम तो भी पढ़ने में मुश्किल है ना, तो इनको शॉर्ट में पढ़ते हैं. इसको बोल इनका निकनेम है कोल्या, ठीक है, KOLY कोल्या, तो ये है निकनेम. तो इनके बारे में ये स्टोरी है और इस स्टोरी में ये जो आर्मी ऑफिसर है योग्राफोविच अल्मासो मतलब कि कोल्या, ये एक आर्मी ऑफिसर है, सेना में काम करने वाले अफसर है, सैनिक है. और वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें वो क्या कर रहे हैं, जिसमें वो एक मैप बना रहे हैं, एक नक्शा बना रहे हैं. पर नक्शा बनाते वक्त गलती से उनके हाथ से उस नक्शे के कॉर्नर मतलब कि कोने पर ग्रीन कलर का पेंट जो है गिर जाता है और फिर उस पेंट को, उस ग्रीन कलर के दाग को, धब्बे को हटाने के लिए वो क्या करते होंगे, क्या आप सोच सकते हैं? तो वही है अ क्लंप ऑफ लिलैक स्टोरी हम अब पढ़ेंगे. एज सून एज हिज वाइफ ओपन द डोर, निकोलाई योग्राफोविच अल्मासो, इनका नाम एक्चुअली और ये खत्म नहीं हुआ, इनका नाम इधर, नाम इधर है निकोलाई योग्राफोविच अल्मासो. मुझे पढ़ने में तकलीफ हो रही तो आप सोचिए. तो ये नाम है निकनेम कोल्या और इनका निकनेम बहुत प्यारा है, छोटा सा है कोल्या, ठीक है. तो ये जो है कोल्या स्ट्रोड इनटू द स्टडी विदाउट रिमूविंग हिज ओवरकोट और कैप.
His wife saw his gloomy face and understood that something unfortunate had happened. तो ये जो है कुलिया या निकोलाई योग्राफोविच अल्मासोव जो है ये ग्रूमी होकर मतलब दुखी होकर जो है बिल्कुल ना ही अपना कोट उतारे ना ही अपने कैप उतारे और जो है ग्रूमी एकदम दुखी होकर अपने कमरे में आए चल कर रहे और उनको देखकर ही उनकी जो वाइफ है वो समझ गई कि कुछ तो भी बुरा हुआ है कुछ तो भी सैड हुआ है कुछ तो भी अनफॉर्चुनेट हुआ है। तो उन्होंने बोले क्या बोले देखिए पहले तो अल्मासोव कौन थे वो देखिए। अल्मासोव द पुअर यंगर ऑफिसर हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम द स्टॉक कॉलेज टुडे ही हैड शोन हिज प्रोफेसर द लास्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पीस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क अ लोकल मैप। ये जो अल्मासोव है मतलब कि निकोलाई योग्राफोविच अल्मासोव है जिनका निकनेम कोलिया है ये जो है ये एक मतलब एकदम यंग ऑफिसर है पर थोड़े पुअर है कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है पुअर ऑफिसर है सीधे साधे है और ये ऑफिसर बिल्कुल अपना जो उनका जो स्टॉप कॉलेज है उस स्टॉप कॉलेज से ये घर में जस्ट वापस आए और आज का जो दिन था इस दिन वो जो है उन्होंने प्रोफेसर्स को उस कॉलेज के ये आर्मी ऑफिसर जरूर है पर ये कुछ प्रोजेक्ट भी बना रहे एक कॉलेज में और आर्मी ऑफिस मतलब वो जो उस पर्टिकुलर स्कूल में जो प्रोफेसर्स हैं उनको उन्होंने अपना बनाया हुआ है कि बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी वाला जो मैप है वो देने वाले थे वो अभी आए हैं अपने घर में। Until now his examination had gone well but only his wife knew the work he had to do. From the beginning his entrance into the college had seemed almost impossible. For 2 years he had tried to get through the examination and it was only at the third attempt that he had succeeded. अब तक क्या हुआ था अब तक ये जो है इनकी एग्जाम वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से ठीक ठाक तरीके से हुई थी और उनकी जो वाइफ है उन्होंने इनको अब तक यहाँ तक प्रिपेयर करते वक्त उनकी वाइफ ने बहुत बढ़िया तरीके से उनकी मदद की थी पूरी कोशिश की थी बिल्कुल शुरुआत से लेकर कॉलेज में अब तक जो एडमिशन हुआ है वो एडमिशन भी उनके लिए बहुत मुश्किल बना था इम्पॉसिबल तरीके का था पर उन्होंने कैसे तो भी करके वो उन्होंने एडमिशन लिया। लगभग 2 साल तक उन्होंने कोशिश किया कि वो ये अभी जो लास्ट ईयर की जो एग्जाम है ये एग्जाम तक पहुंचे पर उनको यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 साल लगे और अब ये जो तीसरा अटेम्प्ट है इस तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने वो एग्जाम क्रैक की एग्जाम पास की। विदाउट हिज वाइफ ही वुड नेवर हैव फाउंड इनफ एनर्जी एंड वुड हैव गिवन अप बट वेरा हेल्प्ड टू कीप हिज स्पिरिट्स हाई शी हैड लर्न टू मीट एवरी फेलियर विद अ क्लियर ऑलमोस्ट गे काउंटेनेंस शी हैड गॉन विदाउट एनी लग्जरीज इन ऑर्डर टू सराउंड हिम विद द मॉडेस्ट कंफर्ट विच वॉज नेसेसरी फॉर अ मैन हु वॉज डूइंग ब्रेन वर्क। She copied his papers, drew his plan, read for him and was generally a great help. अभी उनकी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी अगर उनकी वाइफ अगर उन्हें मदद नहीं करती तो वो अब तक यहाँ तक नहीं पहुंचते वो अपनी एनर्जी नहीं लगा पाते पढ़ाई में और वो अब तक क्या कर देते गिव अप कर देते मतलब कि क्विट कर देते छोड़ देते पढ़ाई बीच में ही। पर उनकी जो वाइफ है जिसका नाम है वेरा तो उस वेरा ने क्या कि उसकी स्पिरिट्स बहुत हाई थी मतलब कि वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो पूरी इच्छुक थी कि मैं मेरे हस्बैंड को क्या करूंगी ये एग्जाम पास करवा के रखूंगी और उन्होंने जो है वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड की थी और उन्होंने सब कुछ उनके हर जब भी वो फेल हुए तब उन्होंने उससे कुछ पॉजिटिव सीखा और उनका बिल्कुल जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर था साफ था खुश रहती थी वो और बिल्कुल हैप्पी और उन्होंने लगभग पूरी जो लग्जरीज है मतलब कि उनके जो भी जेवरात वगैरह ऐसा कुछ नहीं पहनना सिंपल सा रहने वाला काम करती थी ताकि क्योंकि उन्हें पता था कि मैं जिसके साथ रह रही हूँ मेरे जो हस्बैंड है वो ब्रेन वर्क मतलब दिमाग का काम कर रहे हैं और मैं उनके सामने मतलब एकदम क्या बोलेंगे ज्वेलरी वगैरह पहन के रहूंगी तो वो शायद डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं करके वो सिंपल लाइफ जीती थी। उन्होंने अपने पति के लिए लगभग सभी तरीके के पेपर्स कॉपी किए मतलब चीट नहीं किए बल्कि तैयार किए ठीक है। उसके अलावा प्लान्स जो बनाने पड़ते हैं प्लान्स उन्होंने बनाए इवन पति के लिए उन्होंने खुद पढ़े दी उनको ताकि वो सुनकर पढ़ाई कर सके करके और वो इस तरीके से जितनी भी मदद उनको कर सकती थी अपने पति को वो पूरी अपने हस्बैंड को वही मदद करती थी वेरा। अब उन्होंने क्या बोला देखिए कोलिया वाज योर वर्क अनसेटिस्फैक्टरी
बोलिया क्या तुम्हारा काम आज मतलब अनसेटिस्फेक्टरी था क्या, मतलब तुम कुछ निराश दिख रहे हो, तो समाधान ही नहीं था क्या, सेटिस्फाइड नहीं था क्या, ये उन्होंने पूछा। तो उन्होंने क्या किए अल्मासो मतलब कि कोलिया ने, निकोलाई ने क्या किए, ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स एंड मेड नो रिप्लाई। उन्होंने कंधे उचकाए, श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना, मतलब नहीं जाने दो इस तरीके से, ठीक है ऐसे ऐसे करना, तो ये हो गया कंधे उचकाना श्रग। तो उन्होंने ऐसा किया और अपने शोल्डर्स को अपने कंधों को उचकाया हिलाया और कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। Then, Kolya, have they rejected your map? Please tell me, we can talk things over. उनके वाइफ ने क्या पूछा? बोले Kolya, बोले मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा जो मैप है वो प्रोफेसर ने रिजेक्ट तो नहीं किया? अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज मुझे बताओ, ताकि हम उसके बारे में आगे अगर कुछ कर पाए तो हम कर सकते हैं। Almasov turned to his wife and began in a heated, irritated manner that people use when they feel that injustice has been done to them. पर जो अल्मासो है वो अपने वाइफ के तरफ मुड़े जरूर, पर इस तरीके से एकदम गुस्से से और इरिटेट होकर उन्होंने उनको मतलब रिएक्ट किया उस वक्त, कि जो जनरली हम अगर जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तब हम जिस तरीके से किसी के साथ में रिएक्ट करेंगे, उस तरीके से उन्होंने अपने वाइफ के साथ रिएक्ट किया। हालांकि वो इनजस्टिस उनके साथ हुआ ऐसा उन्हें लग रहा था, वो इनजस्टिस कोई उनके वाइफ ने नहीं किया था। Here is a question, what kind of injustice do you think has been done? क्या किस तरीके का injustice हुआ होगा ऐसा आपको लगता है? आप आगे अब हम देखेंगे। Well, if you wish to know, they rejected. If अब क्या कहा उन्होंने, अल्मासो ने अपनी वाइफ को बताया, बोले ठीक है अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो, उन्होंने मेरा जो मैप है वो रिजेक्ट कर लिया, उसे नहीं एक्सेप्ट किया। Angrily उन्होंने ये चीज बताया, he kicked the case obtaining the plan containing the plans, all this rubbish may be thrown into the fire now, this is the end of college for me, in a month I shall be back in the regiment and in disgrace too, all because of that cursed spot। उन्होंने क्या बोला, बोले ये जो प्लान है, ये जो मैप है, इसको कचरे में के ढेर में डाल दो, ऐसा ये उन्होंने बोले, बोले मैं ये कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई काम का नहीं, इसको आग लगा दो, बोले ये कचरे जैसा हो गया, ये कोई गार्बेज है, रबिश है, रविश मतलब क्या बोलेंगे जो अनुमान गार्बेज कचरे को बोलते हैं, जिसकी कोई अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो बोले ये मैप की अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसको आग लगा दो, बोले मैं अभी क्या करूंगा, ये मेरे लिए अभी ये कॉलेज, मेरी जो कॉलेज है उसका अंत हो गया, उसका समय हो गया, खत्म हो गया, मेरे लिए कॉलेज खत्म हो गया, अब बोले एक महीने के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं रेजिमेंट ज्वाइन करूंगा और शायद शर्म से मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आर्मी से जब लौटा था तो मैंने क्या लेकर क्या हुक के साथ लौटा था, कि भाई मैं मेरा एग्जाम क्रैक करूंगा, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, मैप कंप्लीट करूंगा, पर बोले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब मैं आर्मी में फिर से जाऊंगा और वहां पे मुझे, क्योंकि मैं फेल होकर वहां पे जा रहा हूं तो मुझे शर्म के साथ जाना पड़ेगा, पर अब बोले उसके सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और ये सब क्यों हुआ है, ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस कर्स्ड स्पॉट, बोले ये जो शापित स्पॉट है, ये जो एक धब्बा लगा है इस मैप पर, उसकी वजह से हुआ है। अब ये सुनने के बाद जो वेरा है, जो कोलिया की वाइफ है, उन्होंने बोले व्हाट स्पॉट कोलिया, आई डोंट अंडरस्टैंड, बोले किस धब्बे की बात कर रहे हो आप, मुझे कुछ समझा नहीं है। वेरा सैट डाउन ऑन द आर्म ऑफ हिज चेयर, वो चेयर के जो चेयर का जो एक आर्म जो रहता है चेयर का, उसको पकड़ के बैठ गई। व्हाट स्पॉट, शी रिपीटेड सॉफ्टली, क्योंकि उनका जवाब नहीं दिया था कोलिया ने, तो फिर से पूछे, बोले कैसा स्पॉट, सिंपल तरीके से उन्होंने पूछे सिंपल आवाज में। तब फिर उन्होंने जवाब दी वेरा को, कोलिया ने क्या बोले, ओ एन ऑर्डिनरी स्पॉट ऑफ ग्रीन, यू नो हाउ आई वर्क अंटिल 3 o'clock लास्ट नाइट टू गेट द मैप फिनिश्ड, द प्लान इज वेल ड्रॉन एंड कलर्ड, दे ऑल से दैट, वेल एज आई वॉज सिटिंग लास्ट नाइट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, माई हैंड ट्रेम्बल्ड एंड आई मेड अ स्पॉट ऑन इट, सच अ थिक स्पॉट, आई ट्राइड टू रब इट ऑफ एंड मेड इट वर्स, I sat thinking and wondering what to do, and then I thought I would draw a clump of bushes over the spot. It looked very fine when it was done. The spot was quite covered. I took it to the professors today. क्या बोले उन्होंने, बोले अरे कुछ नहीं, बोले एक ऑर्डिनरी साधारण सा हरे कलर का स्पॉट है, तुम तो जानती हो, बोले कि मैंने पिछली कल की रात को, जो पिछली रात है उसे 3 बजे तक ये जो मैप है वो बना रहा था, और बोले ये मैप को मैंने फिनिश जब कर रहा था तब ये मैप बहुत अच्छे तरीके से मैंने कलर किया, बहुत बढ़िया बना, और उन्होंने भी कहा है कि ये मैप बहुत बढ़िया बना करके, पर बोले मैं जब कल रात को बैठा हुआ था 3 बजे तक, तब मैं जो है मैं थक गया था, बहुत ही पूरी तरीके से थक गया था, और पता नहीं कब मेरा हाथ हिल गया और उसके वजह से जो पेंट है वो
उस मैप पर गिर गया और उसके वजह से एक धब्बा पड़ गया, दाग पड़ गया, और उस दाग को मिटाने के लिए मैंने कोशिश की। मैंने जो है, जैसे कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मेरे से गलती से कुछ लिखा हुआ था, मैंने उसे मिटाने की कोशिश की तो यह दाग आया, है ना। तो बोले मैंने उस दाग को मिटाने की जब कोशिश की तो वो जो दाग बना हुआ है वो बहुत जाड़ा, बहुत थिक दाग था, और वो मेरे मिटाने की कोशिश के बाद में वो उल्टा और बढ़ गया वो दाग। और उसके वजह से अब मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से उस दाग को मिटाऊं, वो जो थिक दाग है ग्रीन कलर का उसे किस तरीके से मिटाऊं। मैं सोचने लगा और फिर बोले मुझे दिमाग में एक आइडिया आया, और मैंने वो जहाँ पे दाग बना हुआ था वहाँ पे क्या बनाया, वहाँ पे क्लंप बनाया, वहाँ पे एक झाड़ी टाइप से या ट्रीज टाइप का ग्रुप या झाड़ियों का ग्रुप, पौधों का ग्रुप बना लिया। और बोले उसकी वजह से वो एक ब्यूटीफुल भी दिख रहा था उस मैप में, और इतना ही नहीं बल्कि उससे वो जो दाग था वो भी बहुत अच्छे तरह से छुप गया था। और फिर बोले मैंने जो है वो जो मेरा मैप है वो मेरे प्रोफेसर को आज दिखाया। अब उसके बाद वो प्रोफेसर ने क्या जवाब दिया होगा वो आपको क्वेश्चन है, वो आप सोचिए, और फिर आगे क्या हुआ ये हम इसके बाद की जो स्टोरी है वो इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।